हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आकांक्षा ब्यूटी। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। सो गाइज, आज की जो वीडियो है वो एक रिव्यू वीडियो होने वाली है, और आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ जॉय के विटामिन सी ब्राइटनिंग एंड रिफाइनिंग स्किन टोनर का। जी हाँ, तो ये मैंने रिसेंट में ही परचेज़ किया है गाइज। अभी जब बिग बिलियन डे आई थी तब मैंने इसे परचेज़ किया है और इसे कंटिन्यू यूज़ भी कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। वैसे तो ये ज़्यादा कम नहीं हुआ है, बट जाहिर सी बात है अभी मतलब काफ़ी टाइम तुरंत ही मतलब बिग बिलियन डे आया था तो ये उतना ख़त्म नहीं हुआ है, बट मैं इसे कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ। दिन में दो बार, मतलब वन डे में 24 आवर में दो बार करती हूँ, एक बार मॉर्निंग में और एक बार रात को सोते टाइम। तो बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में ये आता है। सबसे पहले पैकेजिंग देख सकते हैं, प्लास्टिक की पैकेजिंग है, जिस तरह के ज़्यादातर टोनर आपको मिल जाते हैं, और ये इस तरह से टिक टैक वाली पैकेजिंग में आता है। फिर आप कॉटन से या कॉटन के पैड से आराम से इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो फुल नेम है पहले वो आपको बताती हूँ, जॉय विटामिन सी ब्राइटनिंग एंड रिफाइनिंग स्किन टोनर ग्रैपसीड एंड टोमेटो, मतलब ग्रैपसीड एंड टोमेटो है इसमें, जी हाँ, विथ ग्लाइकोलिक और विच हेजल, ये भी दो चीज़ें हैं इसमें, फॉर ऑल स्किन टाइप है। जी हाँ, तो ऑल स्किन टाइप के लिए है, सबसे अच्छी बात तो ये है, और साथ में विटामिन सी है तो जाहिर सी बात है आपकी स्किन को ब्राइट ये डेफिनेटली करेगा ही करेगा, क्योंकि विटामिन सी आप सब जानते हैं कि हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा होता है और हमारी स्किन को कितना ब्राइट करता है, तो ये ब्राइट तो करेगा ही करेगा। और इसमें मेंशन भी है ब्राइटनिंग एंड रिफाइनिंग, तो जाहिर सी बात है ये इसमें मेंशन है। आगे बात करें तो प्योर नेचुरल गुडनेस, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, पीएच बैलेंस्ड, अल्कोहल फ्री, जी हाँ, इसमें अल्कोहल भी यूज़ नहीं किया गया है। इस पैकेजिंग में आपको 150 ml की क्वांटिटी मिल जाती है। प्राइस की बात करें तो 195 रुपीज़ इसकी प्राइस है, जी हाँ। और अगर सेल्फ़ लाइफ की बात करें तो तीन साल की आपको इसकी सेल्फ़ लाइफ मिल जाती है, जी हाँ, यानी कि 3 ईयर्स, तो आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर बात करें किस तरह से अप्लाई करना, तो ये सब कुछ मेंशन है, अप्लाई टू क्लींस्ड स्किन विथ कॉटन बॉल और पैड, जैसे कि मैंने आपको बताया फेस वॉश करने का आपको अप्लाई करना है, मॉर्निंग एंड नाइट एज नीडेड, इफ़ गोइंग आउटसाइड यूज़ सनस्क्रीन, जी हाँ, बाहर अगर आप जा रहे हैं तो इसे अप्लाई करें, फिर मॉइस्चराइज करने के बाद सनस्क्रीन जरूर यूज़ करें। वैसे डे टाइम में और नाइट टाइम में आपको यूज़ करना है कॉटन पैड के साथ या कॉटन बॉल के साथ। तो कुछ इस तरह से आपको इसे यूज़ करना है गाइज। ऑल स्किन टाइप के लिए है, इस तरह की दिखती है। अब आगे बात करें मेरे एक्सपीरियंस की, तो उसके पहले इसमें बता देते हैं कि इसमें और क्या क्या मेंशन है। तो सबसे पहले ब्राइट करता है आपकी स्किन को, पोर्स को ये क्लियर करता है, तो अगर आपको पिंपल्स वगैरह होते हैं या पिंपल्स के मार्क्स वगैरह है आपकी स्किन पे, तो ये बहुत हद तक हेल्प करेगा, जी हाँ, क्योंकि ब्राइटनिंग तो है ही, विटामिन सी भी है, तो अगर स्किन पे मार्क्स वगैरह हैं पिंपल्स वगैरह के तो उसे भी क्लीन करेगा, साथ में आपके पोर्स को भी क्लीन करेगा, जी हाँ। तो मुझे तो ये टोनर बहुत पसंद है गाइस। अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे ये टोनर पसंद है, तो ये बहुत ही अच्छा टोनर है, मैं आपको बताऊंगी। अगर फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो एक बार और स्मेल लेके मैं आपको फिर से बताती हूँ। फ्रेग्रेंस इसकी बिल्कुल नेचुरल है, मतलब कुछ तो एडिशनल किया ही गया होगा, बट वैसी कोई भी स्मेल नहीं आ रही है, बहुत लाइट स्मेल है, ऐसी स्मेल नहीं है जो बहुत ज़्यादा हो, या फेस पे अप्लाई करने के बाद आप कह सकते हैं कि बहुत सारे टोनर अप्लाई करने के बाद कुछ जलन सी, या आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसा लगता है स्पिरिट टाइप का, या फिर कुछ वैसा आपने लगा लिया वैसा फील होता है, बट इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्किन पे ये बिल्कुल सेफ़ रहती है, वैसी कोई भी बात नहीं होती है, आराम से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी स्किन टाइप हो, इवन सेंसिटिव स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बताया, स्मेल इसकी बहुत लाइट है और बहुत ही रिफ्रेशिंग है, आपको काफ़ी रिफ्रेश फील होगा। दो टाइम एक दिन में मैं यूज़ करती हूँ, मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा है गाइस। स्किन ब्राइट तो होती ही है डेफिनेटली, साथ में अगर आपके पिंपल्स के मार्क्स हैं या फिर पिंपल्स हो जाते हैं बार बार, तो ये उसे भी बहुत हद तक स्टॉप करता है, क्योंकि आपके पोर्स को क्लीन करता है, साथ में ब्राइटन का जो इसमें मेंशन है ये क्लेम कर रहा है, तो वो भी ये करता है, क्योंकि ये विटामिन सी टोनर है। तो अगर आपकी स्किन पे पिंपल्स के या किसी भी चीज़ों के मार्क्स वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप इस वाले टोनर को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। मुझे ये बहुत पसंद आया गाइज, आप भी चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। अगर ये वीडियो या रिव्यू वीडियो आपको अच्छी लगी हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। छोटी सी मिनी रिव्यू थी, क्योंकि एक टोनर है जिसमें ज़्यादा ही क्या बोल सकते हैं, हाँ ब्राइटनिंग होती है और कोई भी साइड इफ़ेक्ट भी इससे नहीं है, तो आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ गाइज। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए